हाय फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस मूवी का नाम है तुम्बाड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और ये 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है तुम्बाड नाम के गांव से और ये कहानी है 1918 की। हम लोग मूवी में देखते हैं कि इस गांव में विनायक नाम का एक बच्चा अपने भाई सदाशिव, अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहता था। विनायक का परिवार काफ़ी गरीब रहता है और उसकी माँ उसी गांव में एक सरकार नाम के आदमी के घर पे काम करती थी। सरकार के मरने के बाद उस गांव में उन लोगों के लिए और कुछ काम नहीं मिलता है, इसलिए उसकी माँ सोचती है कि वो लोग पुणे चले जाएंगे ताकि वहाँ जाकर के नया काम कर पाए। जब विनायक की माँ विनायक को गांव छोड़ के जाने के बाद बताती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी माँ को बोलता है कि सरकार के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उनकी हुई तो उन्हें उसके घर में जा कर के उस खजाने की खोज करनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ उसे बोलती है कि सरकार अपनी ज़िंदगी भर उस खजाने की तलाश करता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, यानी कि कोई खजाना है ही नहीं। विनायक खजाने की ना होने की बात को मानना ही नहीं चाहता था और उसे यकीन था कि इस खजाने के बारे में उसकी दादी को ज़रूर पता है। इस मूवी में हम देखते हैं कि विनायक की दादी को जंजीरों से बांध करके रखा जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि विनायक का भाई सदाशिव पेड़ के ऊपर खेल रहा था और वो अचानक वहाँ से गिर जाता है। उसके गिरने के बाद उसे काफ़ी चोट लगती है और उसका इलाज कराने के लिए विनायक की माँ उसे लेकर के दूसरे गांव जाती है। उस दिन विनायक अपनी दादी के साथ उस घर में अकेला होता है और उसे लगता है कि ये सही मौका है दादी से खजाने के बारे में पूछने के लिए। वो अपनी दादी के पास खाना देने के लिए जाता है और वो दादी से खजाना पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसकी दादी उस पर हमला कर देती है। विनायक किसी भी तरह अपनी दादी के हमला से बच जाता है और वो घर से बाहर भाग जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि विनायक के भाई को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और उसके भाई की मौत हो जाती है। उसके भाई की मौत के बाद विनायक की माँ को बहुत सदमा लगता है और वो विनायक को अपना कसम देती है कि विनायक कभी भी तुम्बाड गांव में नहीं आएगा और वो लोग पुणे चले जाते हैं। इस घटना को काफ़ी साल बीत गए थे और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विनायक, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया था, वो तुम्बाड वापस आ जाता है। विनायक की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने जो विनायक को कसम दिया था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। विनायक अभी भी उस खजाने के लालच में इस गांव में आता है और वो आके ही तुम्बाड में उस खजाने को खोजने लगता है। विनायक गांव वापस आकर के अपने पुराने घर में जाता है और वो देखता है कि उसके घर में चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। वो अपनी दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके दादी के शरीर से बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं लेकिन उसकी दादी अभी भी जिंदा रहती है और वो बोल सकती है। विनायक फिर से अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है और उसकी दादी उसे एक शर्त देती है कि अगर वो उसे उस खजाने के बारे में बताएगी तो बदले में विनायक को उसके शरीर को आग लगाना पड़ेगा। विनायक ऐसा ही करता है। विनायक की दादी विनायक को खजाने का राज बता देती है और विनायक अपनी दादी के शरीर में आग लगा देता है जिससे उसकी दादी को मुक्ति मिल जाता है। उसके बाद विनायक बार बार तुम्बाड जाता है और वह हर बार सोने का सिक्का लेकर के आता है जिससे विनायक काफ़ी अमीर हो जाता है। पुणे में विनायक का एक मुनीम रहता है जिससे विनायक ने पहले कुछ रुपए उधार लिए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे विनायक इतना अमीर हो जाता है कि वो अपना उधार तो वापस कर ही देता है और साथ ही साथ वो मुनीम को भी उधार देने लगता है। विनायक के अचानक अमीर होने पर मुनीम को शक होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद विनायक ने किसी का खून करके ये सब सोने के सिक्के उससे लिए थे। मुनीम को ये बात पता था कि विनायक हमेशा तुम्बाड जाता है और वहाँ से सोने के सिक्के लेकर के आता है, तो विनायक को तुम्बाड जाने से रोकने के लिए वो पुणे में एक विधवा औरत को कुछ पैसे दे करके विनायक को वहीं रोकने के लिए बोलता है और खुद तुम्बाड चला जाता है। लेकिन ये बात विनायक को पता चल जाती है और वो उसके पीछे पीछे तुम्बाड आ जाता है। विनायक तुम्बाड आता है और वो एक कुएं के अंदर जाता है। मुनीम ये सब देखते रहता है और वो देखता है कि विनायक अपने साथ एक टिफ़िन बॉक्स लेकर के कुएं के अंदर जाता है और वापस आते समय उसके साथ वो बॉक्स नहीं होता। विनायक बाहर निकल जाता है और विनायक के बाहर निकलने के बाद मुनीम उस कुएं में जाता है।
वो कुएं में जाने के बाद देखता है कि वो कुआं बिल्कुल गर्भ की तरह होता है, जिसमें सारी दीवारें लाल होती है और वो ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान के शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। मुनीम गर्भ में सोने के सिक्कों की तलाश करता है कि तभी वहाँ पे हस्तर आ जाता है। हस्तर यहाँ पे एक अजीब सा प्राणी होता है जो कि आकर के मुनीम को छू देता है और उसके छूते ही मुनीम के शरीर से पेड़ पौधे निकल जाते हैं। मुनीम के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा विनायक की दादी के साथ हुआ था, और फिर विनायक वहाँ पे आ जाता है और वो मुनीम के शरीर में आग लगा देता है, जिससे मुनीम को मुक्ति मिल जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद विनायक की दादी को भी हस्तर ने छुआ था और उसकी दादी भी सोने के सिक्कों की तलाश में थी। तो आगे हम ये देखते हैं कि जब विनायक उस कुएं के अंदर जाता है और वो हस्तर के लिए खाना लेकर के जाता है, उसके टिफ़िन बॉक्स में आटे की बनी हुई गुड़िया होती है जो कि वो हस्तर को देता है, क्योंकि हस्तर पे ये श्राप होता है कि वो अनाज को खुद से नहीं छू सकता है। यानी कि हस्तर खुद से अनाज ले नहीं सकता, लेकिन क्योंकि विनायक उसे वो अनाज देता था इसलिए हस्तर वो अनाज खा सकता था। जब तक हस्तर उस गुड़िया को खाता था तब तक विनायक उसके कमर में बंधी हुई पोटली को खोल लेता था, जिससे कुछ सिक्के नीचे गिर जाते थे और वो सिक्कों को ले करके उस कुएं से बाहर आ जाता था। ऐसा ही काफ़ी सालों तक चलते रहता है और कहानी अब 14 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे विनायक की काफ़ी उम्र हो गई थी, फिर अमीर हो गया था और वो काफ़ी बुढ़ा भी हो गया था, जिससे वो कुएं में आसानी से आ जा नहीं पा रहा था। विनायक का एक बेटा भी था, लेकिन विनायक के बेटे का एक पैर खराब था, जिस वजह से वो विनायक की तरह फुर्तीला नहीं हो पा रहा था। हम कहानी में आगे देखते हैं कि विनायक के बेटे को भी ये बात पता थी कि उसका पिता किस तरह सोने के सिक्कों को लाता था, इसलिए अब विनायक अपने बेटे को लेकर के तुम्बाड़ जाता है और वो उस कुएं में जाता है। विनायक जब अपने बेटे को लेकर के उस कुएं में जाता है और वो फिर से हस्तर को खाने के लिए आटे की गुड़िया देता है, उसके पहले ही हस्तर उसके बेटे पे हमला कर देता है, लेकिन वो आटे की गुड़िया देख करके वो आटे की गुड़िया को खाने लगता है और विनायक का बेटा हस्तर के कमर में बंधी हुई पोटली को खोल के उसमें से सोने के सिक्के निकाल करके वो लोग दोनों किसी तरह कुएं से बाहर आ जाते हैं। विनायक का बेटा विनायक को ये बोलता है कि क्यों ना वो लोग एक बार में ही जा करके हस्तर के कमर में बंधा हुआ पोटली पूरा खोल ले, ताकि उन्हें एक बार में ही सारा सोने का सिक्का मिल जाए और उन्हें बार बार वहाँ जाना ना पड़े। हस्तर का पूरा खजाना चुराने के लिए विनायक और उसका बेटा हस्तर के लिए बहुत सारे आटे की गुड़िया बनाते हैं, ताकि हस्तर खाने में बिजी रहे और वो उसके कमर में बंधा हुआ पोटली खोल पाए। अब विनायक और उसका बेटा उन खाने को लेकर के उस कुएं में जाता है और वहाँ पे हस्तर उन पे हमला कर देता है। विनायक का बेटा किसी भी तरह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन विनायक को हस्तर छू लेता है और विनायक हस्तर के कमर में बंधा हुआ वो पोटली ले लेता है। तो ये मूवी का एंड सीन होता है और हम लोग देखते हैं कि हस्तर को छूते ही विनायक के भी शरीर में पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जैसे कि मुनीम और उसकी दादी के शरीर में हुआ था, और वो अपने बेटे को वो पोटली लेने के लिए बोलता है। उसका बेटा वो पोटली लेने से मना कर देता है और वो विनायक के शरीर में आग लगा देता है, जिससे विनायक को मुक्ति मिल जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शो योर लव। थैंक यू।